बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद आपका हमारे YouTube चैनल असदी टीवी में। क्या सऊदी अरेबिया ने वीज़े बंद कर दिए हैं पाकिस्तान के लिए? क्या वजह है आजकल वीज़े नहीं लग रहे? किन लोगों को परेशानी है? किन वीज़ों पर पाबंदी है इस वक्त जो वीज़े नहीं लग रहे? किन वीज़ों की ई नंबर नहीं आ रहा पाकिस्तान के अंदर? और क्या हमें नया वीज़ा लेना चाहिए या नहीं? जिनका ई वीज़ा नहीं निकल रहा, ई नंबर भी नहीं आ रहा, तो क्या हमें वो वीज़ा यहाँ से ख़रीदना चाहिए? जो ख़रीद चुके हैं उन्हें क्या करना चाहिए? अभी वो लगाना चाहिए नहीं? काफ़ी लोगों की मेडिकल जो है वो एक्सपायर हो रही है, क्या वो चालू होगी या नहीं? वो उन पर काम किया जाएगा या नहीं? पहले नंबर पर तो बात बताऊं कि ई वीज़े के जो मतलब है बात है, जिनका ये ई वीज़ा नहीं मतलब निकल रहा है, वो सिर्फ 4 या 5 वीज़े हैं जिनके ऊपर ई वीज़ा नहीं निकल रहा है पाकिस्तान के अंदर। पहले नंबर पर तो साए खास, आमल मंजिली, दहनात, हद्दात, एक और महीना है गालबन, थोड़ा मिस्टेक हो जाएगी, मैं नहीं सही बता पाया तो। लेकिन अगर इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें दोस्तों दोस्तों के साथ जो वीज़ा ख़रीद रहे हैं इस वक्त, उनको ये ज़रूर बताइए कि ये वीज़े अभी मत ख़रीदें, कुछ देर वेट करें, इंतज़ार करें। और जो अभी मेडिकल कराने के लिए जा रहे हैं, जो करवा रहे हैं, इन वीज़ों वाले अभी मेडिकल मत करवाएँ। मेडिकल ख़त्म हो जाएगा तो भाई आपको दोबारा फिर करवाना पड़ेगा। अगर आपका वीज़ा अम्बेसी के अंदर मौजूद है तो तब चल सकती है आपका मेडिकल, वरना आपका मेडिकल एक्सपायर है, आपको दोबारा 12 से 13 हज़ार रुपया दोबारा लगवाना पड़ेगा, उसके लिए ख़र्चा आपको दोबारा लगाना पड़ेगा। और दूसरे नंबर पर बात करते हैं, सऊदी अरेबिया के वैसे वीज़े बंद नहीं हुए हैं, सऊदी अरेबिया का वीज़े ओपन है पाकिस्तान के लिए, सिर्फ और वीज़े इन वीज़ों के ऊपर सिर्फ ई नंबर नहीं निकल रहा पाकिस्तान के अंदर, जिस वजह से वो वीज़े नहीं लग रहे और लोगों को काफ़ी मुश्किल का सामना है। एजेंटों के साथ झगड़ते हैं कि ये हमारा वीज़ा नहीं लग रहा, क्या वजह है? 2 से 3 दिन के अंदर वीज़ा लग जाता है, वाकई हकीकत बात है, 3 दिन के अंदर वीज़ा लग जाता है। आपके पास जौन सा मर्दी वीज़ा है आपका, 3 दिन के अंदर वीज़ा लग जाता है, हकीकत बात है। लेकिन लड़ने झगड़ने वाली एजेंटों के साथ बात नहीं है कोई भी, आपका वीज़ा इंशाल्लाह लगेगा। लेकिन ई वीज़ा पाकिस्तान में तखीरी है, सायखार आमद मंजिली बहुत ज़्यादा है, इससे पहले वीज़े जो निकल चुके हैं सऊदी अरेबिया के अंदर, उसके ऊपर इंशाल्लाह अभी काम हो रहा है सऊदी अरेबिया के अंदर, हम देख भी रहे हैं कि जो काम हो रहे हैं यहाँ पर उनके ऊपर। और ई वीज़ा पाकिस्तान के अंदर जो अभी नंबर नहीं निकल रहा ई वीज़ा। इसी के साथ कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपके पास मौजूद है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मज़ीद इंफॉर्मेशन के लिए